नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन जैन, मनस्वी जैन जी है और मैम है ना। मैम हमारी फैमिली ही है वैसे तो, और हमारी स्कूल की टीचर है, उनकी बेटी है मनस्वी जी। तो मनस्वी जी, आपके क्या इशू था, आप हमारे पास क्यों आए थे? मेरे नी में ACL इंजरी हो गई थी क्योंकि बैडमिंटन खेलते हुए ट्विस्ट हो गया था पैर, तो ठीक, इसलिए कब हुआ फाइव था मैम? मई मतलब 15 days back। तो बेसिकली जब आप खेल रहे थे, जब आप लैंड हुए, तब तो आपका ट्विस्ट हुआ। तो ट्विस्टिंग के टाइम कुछ पॉपिंग साउंड या कुछ हुआ था, ऐसा आवाज़ आई थी कि कुछ ऐसा लगा अंदर से कि कुछ टूट गया, हाँ, सब फील हुआ था। लूज हो गया था लूज पैर। हो गया था। फिर उसके बाद वापस खेल रहे थे आप? जाने वाली थी लेकिन रोक लिया टीचर ने। हाँ हाँ, बहुत अच्छा किया, वेरी नाइस। बिकॉज वो अगर करते तो फिर आपके ACL के साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें डैमेज हो जाती है ना। तो व्हाट डिड वी डू टू यू, क्या किया हमने? सर्जरी हुई, हमने ACL इंजरी, मतलब ACL जो लिगामेंट था उसको दूसरे साइड से लेकर थोड़ा सा उधर प्लेस कर दिया, न्यू लिगामेंट। बेसिकली इनके ACL की हमने ACL रिकन्स्ट्रक्शन किया। 8 mm का ग्राफ था इनका और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्राफ लगा था। और सर्जरी के बाद में हमने इनको दिखाया भी था। आपने देखा था कि कैसा, पहले उसमें बिल्कुल ग्राफ दिख ही नहीं रहता, फटा हुआ था, और फिर सर्जरी के बाद में एकदम देखा टाइट था। ग्राफ था। और फिर मैं आपका पैर हिला रहा था, याद है कि सर्जरी के बेंड बाद और ये में? करके। हाँ नहीं, पहले तो सर्जरी से पहले एंटीडोट रॉड टेस्ट किया था, तो हाँ आपका कैसे पैर लचक खा रहा था। फिर सर्जरी के टाइम पे आफ्टर पुटिंग द ग्राफ मैंने खींचा था, दिखाया था। है ना, तो आपका लिगामेंट हिल रहा था क्या? नहीं, हाँ नहीं हिल रहा था, पर टेबल, वो हिल रही OT थी। टेबल, पूरा जो OT टेबल था वो हिल रहा था, बट आपका लिगामेंट नहीं नहीं हिल रहा था। दैट मीन्स कि इतना आपका स्ट्रॉन्ग लिगामेंट है अभी अंदर, है ना। तो पूरा OT टेबल हिल सकता है पर लिगामेंट लूज नहीं है। तो इनका ACL का भी हमने किया, और प्लस साथ में LET, जो हम कहते हैं लैटरल एक्स्ट्रा आर्टिकुलर टेंडिनोडेसिस, वो भी हमने किया। क्योंकि इनको वापस से स्पोर्ट्स में जाना है और बहुत सारे एक्टिविटीज करनी है, तो LET मैं उन केसेस में करता हूँ जिनको स्पोर्टिंग एक्टिविटी में जाना होता है। बिकॉज LET इज अ एड ऑन प्रोटेक्शन फॉर ACL, है ना। और गर्ल्स में, यूजुअली गर्ल्स में ACL के चांसेस 30% ज़्यादा होते हैं फटने के। क्या कारण है? बहुत सारे कारण है। एक तो बॉडी हैबिटस, बॉडी हैबिटस मतलब जो हिप रेशियो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो हमारा जो चलने का होता है उसकी वजह से भी ACL पे ज़्यादा टायर होता है। सेकेंड थिंग, नैरो नॉच, जो नॉच होता है जो मेल्स में मोटा होता है, इनका नैरो नॉच होता है, तो इसमें फटने के ज़्यादा चांस होता है। तीसरा होता है हाइपर एक्सटेंशन, जो नी होता है वो थोड़ा सा लूज होता है, या लड़कियों में जो मसल्स की या जो हॉर्मोन्स होते हैं उसकी वजह से जो टेंडन्स है वो काफ़ी लचीले होता है। तो दैट इज़ वन ऑफ द प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स। हम कहते हैं कि ACL जो है 20 to 30% ज़्यादा होता है एथलीट्स में, लड़कियों में, ना कि लड़कों में। तो इसके कारण हमने इसमें एक LET भी एड ऑन किया है, ताकि ये रीटेयर होने के चांसेस उसके कम हो जाए, है ना। तो आपको लेफ्ट नी को भी प्रोटेक्ट करना है। अब उसके लिए कुछ रिहैबिलिटेशंस होती है जो मैं आपको बाद में, ये वाला तो सेटल हो जाए, उसके बाद में देयर आर फ्यू एग्जामिनेशन, फ्यू एक्सरसाइजेस विच आर साइंटिफिकली प्रूवन, है ना। जैसे FIFA 11 प्रोग्राम आता है, FIFA 11 प्रोग्राम आता है जिसमें इफ़ यू डू दोज एक्सरसाइजेस इवन आफ्टर दिस, देन ACL का टेयर होने का चांसेस 30% कम हो जाता है। योर ACL विल नॉट टेयर। सो दीज ऑल थिंग्स पीपल डोंट नो। पीपल विल जंप इन टू जस्ट कि भाई एक्सरसाइज के ऑपरेशन करके फिर आप ठीक हो जाओ, फिर वापस से खेलो। बट हमको तो वापस से भी नहीं टेयर होना है ना, कि हम बार बार यही कराते रहे कि वापस टेयर हो जाए, फिर वापस ऑपरेशन करें, ये तो हम नहीं करेंगे, है ना। सो हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस ओवरऑल के सर्जरी, हाउ वॉज मी ड्यूरिंग द सर्जरी, बिफोर द सर्जरी? ये बिकॉज क्या होता है कि एज यू एज अ पेशेंट, योर मॉम एज अ यू रिलेटिव, बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है, एंड दैट स्ट्रेस ऑल्सो फॉल्स ऑन मी, ऑन माई हेड, है ना। क्यों? क्योंकि मैडम टीचर है, सारा चीज़ करना है, तो मेरे को भी इतना स्ट्रेस रहता है। बट वेन आई एम इन द OT, आई एम इन अ डिफरेंट जोन। समझ आ गई ना, उस टाइम पे कैसा रहता है माहौल, क्या था वो बताओ लोगों को। थोड़े स्ट्रिक्ट भी थे और लेकिन नॉर्मलाइज भी करा था, जैसे कि गाने चल रहे थे तो वो मेरे को भी कंफर्टेबल फील हुआ। और फिर और जो सर थे जो और आपके साथ हाँ, सर्जरी कर रहे थे, असिस्टेंट। हाँ उनके थोड़े स्ट्रिक्टनेस थी जिस
तो सर्जरी के टाइम पे आई वाज लाइक के हर एक चीज कैसे होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए, कहीं पे भी कुछ भी इधर उधर होता है तो फिर आई गेट रियली पिस्ड ऑफ, राइट, है ना। तो वो चीज है बिकॉज वो इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वो ही चीज इम्पोर्टेंट कहती है रिजल्ट्स पे। अगर हम वो चीज अगर हम ऑपरेशन के टाइम पे सारी चीजें प्रॉपरली फॉलो करें, हमारे जो स्टेप्स है वो परफेक्टली मैच हो, एंड देन द सर्जरी विल गो वेरी वेल, है ना। इट इज जस्ट लाइक समथिंग, यू आर क्रिएटिंग समथिंग गुड। वंस यू गेट आउट ऑफ द सर्जरी, रिहैबिलिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सो द स्ट्रिक्टनेस अगेन विल फॉलो ऑन यू, अंडरस्टैंड, कि अगर हमने एक्सरसाइज नहीं की एंड इफ थिंग्स गो नॉट राइट, देन आई विल बी एज स्ट्रिक्ट एज आई वॉज इन द ओटी ऑन यू। सो बिकॉज इन द एंड व्हाट डू वी नीड, गुड रिजल्ट्स, है ना। इन द एंड और मेरी फैमिली है तो मेरी फैमिली को तो मैं चाहता हूँ कि मैं रिजल्ट अच्छा दूँ, है ना। आई कंसिडर यू एज अ फैमिली, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग मी एंड ट्रस्टिंग ऑल द पीपल हियर एंड गेटिंग ऑपरेटेड विद अस, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी। मतलब मुझे जो सर ने बोला दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इनफैक्ट मुझे या फिर मेरी फैमिली को तो पता भी नहीं था कुछ ACL जैसा कुछ होता भी है, एंड आई वॉज टेकिंग एवरीथिंग नॉर्मल, लाइक एक बच्चे के लग जाती है तो बींग अ पेरेंट मेरे को भी लगा कि खेलने में बच्चों के लग जाती है, एंड आई वॉज पुशिंग हर कि ठीक है हो जाएगा सही हो जाएगा नो इशू। लेकिन फाइनली लाइक ही बींग अ पेरेंट ऑफ माई स्टूडेंट एंड एज अ फैमिली मेम्बर, तो ही एक्सप्लेन्ड इन सच अ गुड वे एवरीथिंग, तो फिर मुझे भी बड़ा सरप्राइज हुआ कि कुछ ऐसा भी अनएक्सपेक्टेड चीज हो सकती है। मतलब वी टेक एवरीथिंग सो नॉर्मली, लेकिन डेफिनेटली ठीक है स्ट्रॉन्ग होना है बच्चों को, लेकिन कहीं ना कहीं हमें डेफिनेटली टेक केयर करना होता है। एंड द एनवायरनमेंट जो यहाँ पे हमको मिला इट वॉज रियली गुड। मैं पर्सनली नहीं कह रही, लाइक मेरे को लगता है सर को देख के भी लगता है कि फॉर एवरी वन मतलब वो सबको अच्छे से ही मतलब ट्रीट करते हैं, एंड डेफिनेटली ही वॉन्ट्स कि सबका गुड रिजल्ट ही होना चाहिए, मतलब सब खड़े हो जाने चाहिए सर के सामने कि नाउ वी आर रेडी अगेन टू गो फॉर स्पोर्ट्स। यू विल, डेफिनेटली यू विल, एंड वी आर देयर टू सपोर्ट यू इन एवरी वे पॉसिबल, एंड इट इज नॉट यू एज अ फैमिली। आई एक्चुअली टेक थिंग्स वेरी पर्सनली, दैट इज माय एक्चुअली नेचर। तो वो मैं कोई भी पेशेंट हो, चाहे आप हो या चाहे मेरी घर वाले हो, इट विल बी लाइक ऑलमोस्ट ट्रीटेड लाइक सेम। इफ आई एम ट्रीटिंग माय फैमिली एंड मैं किसी को ऑपरेट कर रहा हूं तो मेरे हाथ ये नहीं होने चाहिए, बिकॉज व्हेन दैट हैपेंस देन यू विल नॉट बी कॉन्फिडेंट। उस टाइम पे तो देन यू आर एज ट्रीटिंग अ पेशेंट, उस हिसाब से देन यू विल गेट गुड रिजल्ट। And my spouse is really very happy. वो जब से यही बोले जा रहे हैं कि नहीं हमें बहुत अच्छा यहाँ पे response मिला, and he is too satisfied. तो वो भी है। Because initially you were not in a favor to get operated here. बहुत सारी issues से. It's okay. That is another thing. We all are colleagues. We all are brothers for us. हमारे family members ये सारे. But it is up to you कि भाई आपको किससे करना. And important is that you should get a good result. यही चीज़ है. And I'm really very sure, मैं तो इसको ही बोलती हूँ सर ने आपको 6 का है लेकिन आपको 5 months में प्रूव करके दिखाना है कि नहीं she is absolutely fine and she can again go. हो जाएगा, कर लेगी, और all the best for your recovery. Take care. Thank you. Thank you. Thank you so much. Take care.